आज के वीडियो में देखते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। पिछले वीडियो में देखे थे, प्रीवियस वीडियो में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, मतलब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, और बी एक दूसरा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का हो, ठीक है, मतलब ऐसे हो कि उन दोनों का मल्टीप्लाई, ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं और बी ए का इन्वर्स मैट्रिक्स होता है, ठीक है, सिंपल है। तो वही पॉइंट है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड बी इज कॉल्ड इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई ए इन्वर्स। इसको किससे डिनोट करते हैं, ए इन्वर्स। बी ए का इन्वर्स है तो बी इक्वल टू ए इन्वर्स लिख सकते हैं। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ए यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मेरे कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बी एक दूसरा मैट्रिक्स है तो हम ए बी निकालेंगे, ठीक है, ए इंटू बी निकालेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, फिर ए बी निकालेंगे आई आना चाहिए, फिर बी ए निकालेंगे वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ जा रहा है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए या यूनिट मैट्रिक्स बोलिए आ जाता है, तो इसका मतलब ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हुआ। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो यहाँ पर बी एग्जिस्ट कर रहा है दूसरा मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर बी जो है ए का इन्वर्स होगा कि नहीं होगा, इसके लिए सबसे पहले इसे हम ए बी निकालेंगे। तो ए इंटू बी निकाल रहे हैं, देखिए तो ए बी निकाल रहा है, तो क्या हो रहा है, ए का वैल्यू रख दिए, बी का वैल्यू रख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है आप लोगों को पता है, ऐसे फर्स्ट रो से होकर फर्स्ट कॉलम में जाते हैं, तो टू इंटू टू अब प्लस थ्री इंटू माइनस वन हो गया, फिर वन इंटू टू अब प्लस टू इंटू माइनस वन हो गया, फिर यहाँ पर टू इंटू माइनस थ्री प्लस, ठीक है, थ्री इंटू टू, और फिर ऐसे जाके ऐसे आएंगे तो वन इंटू माइनस थ्री प्लस टू इंटू टू हो गया। यानी देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो फोर हो जाएगा, फोर माइनस थ्री, यहाँ पर माइनस सिक्स और प्लस सिक्स हो जाएगा, यहाँ पर टू और माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पर माइनस थ्री प्लस फोर हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया, तो ये वन हो गया, जीरो जीरो वन हो गया, यानी इसी को हम लोग आइडेंटिटी में डायगोनली एलिमेंट वन हो जाए और बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाए, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए बी निकाले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया उसी ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो आई टू, ये टू बाई टू ऑर्डर का है इसलिए इसको आई टू लिख दिया, ठीक है, यानी ए बी निकाले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। वैसे ही बी ए फाइंड करते हैं, तो बी का वैल्यू यहाँ रख दिए, फिर ए का वैल्यू रख के दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ऐसे जाके ऐसे आते हैं, तो टू इंटू टू फोर अब प्लस माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, लेकिन प्लस माइनस माइनस तो थ्री हो गया। फिर इसको सॉल्व किए वैसे ही मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर वन जीरो जीरो वन आ गया, तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ना है, तो सिंपल हो गया कि ये भी इसको बी ए भी निकाले तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया, तो भी टू बाई टू ऑर्डर ही है, तो भी आई टू आया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, ठीक है। तो देखिए सिंस देयर फोर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ए बी भी निकाल रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, बी ए भी निकाल रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, यानी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। जब सेटिस्फाई कर गया तो बोलेंगे कि ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, एंड बी इज कॉल्ड इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, और बी क्या होगा, ए का इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, यानी बी इक्वल टू ए इन्वर्स, यानी यहाँ पर बी जो है ए का इन्वर्स है। सिंपल समझ में आ गया। तो इस एग्जाम्पल से क्या हम लोग को पता चल रहा है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक दूसरे मैट्रिक्स का एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंस होना चाहिए सच दैट कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ जाए, ठीक है। तो वैसे ही बी एक मैट्रिक्स है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ जा रहा है, तो ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स प्रूफ हो गया और बी ए क्या क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, तो बी को क्या बोलेंगे, ए का इन्वर्स हो गया। चलिए देखते हैं कुछ इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, इसका थोड़ा सा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या बोलता है, इसका थ्योरम एक तरीका का बोल दीजिए इन्वर्स मैट्रिक्स का, तो यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है ना वो यूनिक होता है, मतलब एक ही जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एक और केवल एक ही होता है, ठीक है, एक से ज्यादा इन्वर्स नहीं होता है। तो देखिए इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, मतलब यूनिक होता है, एक ही इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है कि एक ही क्यों होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो देखिए
तो लेट ए इक्वल टू आई जे ऑर्डर एन बाई एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए अब होता क्या, इसको प्रूफ करने हम लोग को पता है कि इसका जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, लेकिन उसी को हम लोग को प्रूफ कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इफ पॉसिबल, देखिए इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्सेस ऑफ ए, ठीक है। मान लीजिए अगर पॉसिबल हो तो बी और सी ए का दो इनवर्स है, एक से ज्यादा इनवर्स सपोज कीजिए, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है। अगर बी और सी दो इनवर्स मान रहा है तो हम लोग को प्रूफ करना है कि यूनिक है, मतलब बी और सी अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, यानी बी इक्वल टू सी हम लोग को प्रूफ कर देना है। टू प्रूव बी इक्वल टू सी प्रूफ कर देना है, तो अभी यूनिकनेस होगा, मतलब वो यूनिक होगा, मतलब बी और सी अलग अलग नहीं होके एक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी एक ही मैट्रिक्स है तो इसका एक ही इनवर्स होगा। हम लोग यहाँ अलग अलग टू इनवर्सेस ऑफ ए माने हैं, लेकिन हम अगर इसको बी इक्वल टू सी प्रूफ कर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी और सी अलग अलग नहीं है, एक ही है, इसका मतलब इनवर्स जो है इसका एक ही है, ठीक है। तो अब b इक्वल टू सी कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं सिंस b इज इनवर्स ऑफ a, b इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ a, मतलब b a का इनवर्स मैट्रिक्स है, देयरफॉर कंडीशन इसका सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, इसको सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। देखिए फिर सिंस सी इज ऑल्सो इनवर्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ ए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है बी भी इनवर्स है सी भी इनवर्स है, तो सी के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, देयरफॉर ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। अगर बी इनवर्स है ए का तो ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई है, जब सी इनवर्स होगा तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई होना चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देखिए नाउ अगर देखिए हम b इक्वल टू c प्रूफ करना है तो पहले b को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो नाउ b इक्वल टू b इंटू आई लिख सकते हैं। अब बोलेगा सर कैसे b इक्वल टू i कैसे लिख सकते हैं, b इक्वल टू bi कैसे लिख सकते हैं, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसको किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स i है तो b इक्वल टू bi लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आई को बी में मल्टीप्लाई करने से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बी इक्वल टू बी आई हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो बी इक्वल टू बी आई, अब आई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आई के जगह पर लिखने के लिए हम लोग लिख देंगे क्या ए सी, आई के जगह पर, अगर आई के जगह पर ए सी भी तो लिखा जा सकता है ना, तो ए सी लिख देते हैं। देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, b इक्वल टू c प्रूफ करना है, b इक्वल टू c प्रूफ करना है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि b इक्वल टू c अब कैसे प्रूफ होगा, तो इसको भी समझा जाए। तो b इक्वल टू c प्रूफ करने के लिए देखिए b को bi लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर bi है तो i के जगह पर हम ए सी लिख दें, i के जगह पर ए सी लिख देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा। फिर बी ए लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। अब फिर बी ए के जगह पर कितना है, बी ए के जगह पर आई है, तो आई सी हो गया। अब फिर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सी एक अदर मैट्रिक्स है, तो आई इंटू सी, मतलब आई को उस मैट्रिक्स सी में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सी ही आ जाएगा, तो बी इक्वल टू सी प्रूफ हो गया, ठीक है। देयरफॉर बी इक्वल टू सी प्रूफ हो गया, तो बी इक्वल टू सी प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी अलग अलग इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है ए का, ठीक है, दोनों बी और सी इक्वल है, इसका मतलब बी और सी इक्वल है, तो क्लियर हो जाता है कि ए का इनवर्स एक ही है, ठीक है, एंड बी इक्वल टू सी प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए तो अब एक बार फिर समझ लीजिए, बी को हम यहाँ बी आई लिख सकते हैं, आई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ठीक है, आई की जगह पर ए सी लिख सकते हैं। फिर हम बी ए को साथ में रख दें, सी को बाहर कर देते हैं, तो बी ए को फिर क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, तो बी ए को आई लिख दिए, फिर आई इंटू सी, तो सी ही आ जाएगा, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बी इक्वल टू सी प्रूफ कर दिए हम लोग। जब ये प्रूफ हो गया, इसका से क्लियर होता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। चलिए सेकंड इसका प्रॉपर्टी देखते हैं।
देखते हैं सेकंड इसका जो थ्योरम है इनवर्स मैट्रिक्स का, मतलब इसको प्रॉपर्टी ही बोल सकते हैं। जैसे ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। कभी भी ऐसे मत लिखिएगा कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, हम बताए थे ना कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दो मैट्रिक्स, तो बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स होता है और ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और इसके इनवर्स को, ए के इनवर्स को ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी। अभी बताए थे बी इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स। तो अगर ए बी है, ए बी इक्वल टू बी ए, तो देखिए बी के जहाँ पर ए इनवर्स यहाँ पुट कीजिए, तो बी के जहाँ पर ए इनवर्स पुट करेंगे तो ए इनवर्स, यहाँ पर भी बी के जहाँ पर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ए आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई। तो आप याद रखिएगा ए इंटू ए इनवर्स रहे चाहे ए इनवर्स इंटू ए रहे, तो उसको आई लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स है, एम एक मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो वैसे ही इसके तरीके से यहाँ बी का वैल्यू ए इनवर्स रख देंगे तो ए इंटू ए इनवर्स आई आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ए बी, ए इंटू बी एक मैट्रिक्स है, ए और बी अलग अलग मैट्रिक्स नहीं बोल रहे हैं, अगर ए इंटू बी एक मैट्रिक्स है तो ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू आई नहीं होगा। कैसे समझिए फिर से, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है तो ए बी इंटू ए बी का इनवर्स भी आई होगा, बिकॉज ए बी भी एक मैट्रिक्स है, ए बी एक मैट्रिक्स है और ए बी का इनवर्स उसका इनवर्स मैट्रिक्स है, तो ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू आई। जैसे ए इंटू ए इनवर्स आई हो रहा है, वैसे ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। चलिए दोनों तरफ इसमें हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन के दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए बी का इनवर्स, ए इनवर्स आई मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए इसको साथ साथ लिखेंगे, ए इनवर्स इंटू ए साथ में कर दिए, अब बी को बाहर किए, फिर ए बी का होल इनवर्स है, ठीक है। फिर यहाँ पर ए इनवर्स आई हो गया। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ ए इनवर्स ए है, समझिए यहाँ ए इनवर्स ए को साथ में किए हैं, तो ए इनवर्स ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स ए के जगह पर आई लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। यहाँ पर बी है, यहाँ ए बी का होल इनवर्स, यहाँ ए इनवर्स आई है। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे ही यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, तो आई को इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखिए तो ए इनवर्स इंटू ए के जगह पर आई रख दिए, तो आई इसके जगह पर आई, तो ये बी है, तो आई बी इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, बिकॉज आई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। तो ये ए इनवर्स ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको बी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई इंटू बी बी ही रह जाएगा, बिकॉज आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए तो बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है। आई ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों तरफ हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ बी है तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किए तो बी इनवर्स बी हो गया, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स है तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स हो गया। तो ये बी देखिए ए ए इनवर्स ए इक्वल टू आई आ जाता है, तो बी इनवर्स बी इक्वल टू आई आ जाएगा, ए इनवर्स ए इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसी के अकॉर्डिंग बी इनवर्स बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा आई, और फिर ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हो गया। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई को इस मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी फिर से ए बी का होल इनवर्स रह जाएगा, आई से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स क्या आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड प्रॉपर्टी था, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं।